वेलकम अगेन टू एंथ्रा इंटरनेशनल इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट न्यो डावनिज़म दिस इज सिलेबस एज वी ऑलरेडी नो दैट न्यो डावनिज्म इज़ इन सिलेबस ऑफ यू डी सी नेट जी आर एफ एंड आल्सो इन आवर यू पी एस सी सिलेबस हेयर इट्स मैंशन इथ पोस्ट डावनिजम पोस्ट डार्विनियन जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि प्री डार्विनियन डारविनियन और पोस्ट डारविनियन क्या होता है तो पोस्ट डारविनियन में न्यो डावनिज्म आएगा तो अब पढ़ते हैं व्हाट्स इज़ न्यू डाविनिज्म। सब्सिक्वेंटली एडहरेंट्स ऑफ डाविनिज्म ट्राई टू रिजोनिवेट एंड मॉडिफाइड डाविनिज व्यूज जो साथी थे जो सपोर्टर थे डावनिज़म के डावनिज़म थ्योरी के तो उन्होंने वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को नए नए एक्सपेरिमेंट्स थ्रू या नए नए व्यूज़ के थ्रू जो डायविन के फाइव प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई कर रहे थे और उनको वैलिड करार दे रहे थे मतलब उनको प्रूव कर रहे थे कि ये कैसे वैलिड है डायविन के जो प्रिंसिपल हैं वो कैसे वैलिड है जो उसके एडहेरेंट्स थे जो उसके सपोर्टर्स थे या जो इस थ्योरी के वेलविशर थे तो वो इस चीज़ को कंटिन्यू में नई एनर्जी देते गए रिवर्टलाइज करते गए डार्मिनिज्म को ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये सारे प्रिंसिपल्स या ये प्रिंसिपल्स वैलिड है इसमें कोई प्रिंसिपल कौन कौन सा प्रिंसिपल वैलिड है नियर डार्विनिस्टिस में जो जिनका नाम आता है उनमें है ऑगस्ट वेस्मेंट ऑगस्ट वेस्टमेंट वेस्ट ने थेरी ऑफ जर्म प्लाजम दिया था और लाइल अर्नेस्ट हैकल है या लाइल लाइल जिस जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा प्री डर थे में जिसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दिया था यूनिफॉर्म मिटेरियनिज्म कैटस्ट्रोफिज्म के, के अगेंस्ट या हक्सले था हक्सले वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ठीक है ही गेव द कम्परेटिव एनाटॉमी या वेल सिम्पसन वेल्स एंड सिम्पसन इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट किया तो आ, इसके अलावा आर ए फिशर है सिविल राइट्स है जे बी एस हेल्डेन है जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया बाय मॉडर्न सिंथेसिस और न्योडार्गनिज़म किसके थ्रू नई थ्योरी एक दी जिसको उन्होंने नाम दिया मॉडर्न सिंथेसिस या सिंथेटिक थ्योरी या डार्विनिज्म इसके आ, इसको सपोर्ट में लेके जो उन्होंने फिर डाविन को सपोर्ट में जो आ, इसके प्रिंसिपल्स को सपोर्ट में लाके इन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम था मॉडर्न जिसको नाम दिया गया मॉडर्न सिंथेसिस सिंथेटिक थ्योरी और डार्विनिज्म ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नियो डावनिज़म का क्या दूसरा नाम है ठीक है देर आर मैनी लाइन्स ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग डाविस थेरी दैट नैचुरल सिलेक्शन इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशनरी चेंज बहुत सारे एविडेंस आ गए बहुत सारे एविडेंसेज दिखाए इन्होंने जिन्होंने डावनिज़म को सपोर्ट किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक बेसिक बनाता है एवोल्यूशनरी चेंज का यही बेसिस है जहाँ से स्टार्ट होती है एवोल्यूशनरी चेंज ये किस कि प्रूव किया जो एडहरेंट जो सपोर्टर्स थे डार्विनिज्म के डार्विन थ्योरी के जिन्होंने बाद में अपनी थ्योरी का नाम या तो सिंथेटिक थ्योरी रखा या दूसरा नाम मॉडर्न सिंथेसिस और न्योडाविनिज्म दिया गया इस थ्योरी का नाम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड डाविन के जो प्रिंसिपल्स है फाइव प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए उसमें एक प्रिंसिपल में डाविन एक्सप्लेन करते हैं कि जो जियोलॉजिकल चेंजेस हुई उसके साथ साथ जो लाइफ थी इस अर्थ में वो भी स्लोली या उसमें भी ग्रेजुअल चेंज आती गई ये चीज़ इस चीज़ को सपोर्ट किया किसने जब जियोलॉजी जियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ अर्थ ये जो जियोलॉजिस्ट थे या पेलेंटोलॉजिस्ट पेलेंटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फोसल्स उन्होंने जब स्टडी किया अर्थ को तो उनको वहाँ पे ऐसे एविडेंसेस मिले जिन्होंने जे जो ये डार्विन का एक प्रिंसिपल था कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज एंड द लाइफ ऑल्सो चेंज ऑन अर्थ उस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया उनके एविडेंसेस के अकॉर्डिंग एविडेंसेस एम्बोडाइड इन फोसल्स शो ग्रेजुअल चेंजेस एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल चेंज उन्होंने देखा जो जियोलॉजिकल चेंजस हुई कि उन्होंने जियोलॉजिस्ट्स ने और पैलेन्टोलॉजिस्ट्स ने उसके साथ साथ जो लाइफ थी अर्थ में वो भी चेंज होती गई है दिस हैज़ लेड टू द कंक्लूजन अबाउट द प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट हैज हैव इवॉल्व ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड अबाउट द एवल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फाइला एंड स्पीशीज़ उन्होंने क्या देखा जो जियोलॉजिस्ट्स और पैलेंटोलॉजिस्ट जब वो स्टडी कर रहे थे अर्थ का या जो अर्थ के अंदर जो फोसल्स मिले उनको उन, उनको ये पता चला उन एविडेंसेस से कि सच में जो अर्थ है वो ग्रेजुअली चेंज होती गई और उसके साथ साथ इसके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स है वो वो भी चेंज होती गई और उसमें इन्होंने डिफरेंट फाइलाज़ को देखा या स्पीशीज़ जिनको जो देखा जिनको फाइला आप समझते हो जैसे प्रोफीरिया कैंडिया कैंडेरिया प्लेट हेलमेंट्स एनिलेडिया ऑर्थोपोडिया कोडेटा जिसमें हम कोडेटा में आते हैं या मोलस्कस है हम कोडेटा में आते हैं जिनका कोडेटा मींस जिनके वर्टिब्रेट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स समझते हैं ना बेग बोन या स्पाइनल कॉर्ड तो उन उन्होंने ऐसे देखा कि कौन कौन से कैसे मतलब डिफरेंट जो फाइलाज है स्पीशीज़ कैसे मतलब डिफरेंट फोसल्स से उनको पता चला कैसे ये क्लासिफाई हुए हैं और कैसे इनमें ग्रेजुअल चेंज आई है विद एनवायरमेंट कैसे विद जियोलॉजिकल चेंजेस कैसे जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी चेंज आए उसमें भी चेंज आए हैं जैसे हम आर्कियोलॉजी में देखते हैं कि है कैसे पहले ग्लेशिएशन पीरियड था ग्लेशिएशन पीरियड में कैसे कौन कौन से जानवर पाए जाते थे लेकिन जब फिर हॉलोसिन आ गया होलोसिन में कुछ जानवर जिनके जो फर था वो गायब हो गया क्योंकि उन एनवायरमेंट चेंज हो गया उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो गया या कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो गए जैसे डाइनासॉर्स है ऐसे स्पेकुलेशन लगाए जाते हैं कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या ड्यू टू दीज जियोलॉजिकल इवेंट्स वो जानवर ख़त्म ही हो गया वो एक्सटिंकट ही हो गया तो ये एविडेंसेस जियोलॉजिस्ट को और पैलेंटोलॉजिस्ट को जब मिल गए तो उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज से डार्विनिज्म को जिन्होंने बताया था कि ग्रेजुअल अर्थ की जो ग्रेजुअल चेंज होने के साथ साथ जो उसके अंदर लाइफ फॉर्म्स है वो भी चेंज होती गई सिमिलैरिटी और इसने बोला था कि डिफरेंट स्पीशीज जिनका कॉमन एनसेस्टर होता है होता है ये भी डार्विन का मानना था लेकिन उसको भी कि, जो इसके सपोर्टर्स थे वेलविशर्स थे डार्विन के उन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया कैसे लाइक सिमिलरली सिमिलैरिटीज बिटवीन एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट स्पीशीज देर आर स्टेज इन द एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड स्पीशीज सच एज द वेरियस स्पीशीज ऑफ दैट रिवील स्ट्रक्चर सो सिमिलर अमंग द एम्ब्रियज ऑफ दिस स्पीशीज दैट इवन ट्रेन साइंटिस्ट वुड फाइंड इट टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर ये जो इन्होंने बोला था कि जो आ, आ, हमारा इंसिस्टर है कॉमन होता है तो इसमें जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बच्चे को देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि ये बहुत ही मुश्किल है डिस्टिंग्विश करना जब एम्ब्रियोनिक स्टेज जब अंदर पेट के अंदर माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है तो जब हम उसके अर्लियर स्टेज देखते हैं जब वो एम्ब्रियो एम्ब्रियो में होता है लाइक एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट हो रही होती है उसकी तो वहाँ पर आपको मुश्किल होता है डिस्टिंग्विश करना कि ये कौन सा बेबी है। जब हम पहली इमेज देखते हैं सॉरी मैं यहां पे लगाना भूल गई कि अगर आप एक बार गूगल करके देखना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ दिस चाइल्ड तो वो लगता है कि उसके गिल्स भी लगते हैं जैसे इनके नहीं फिशेस के गिल्स होते हैं वो ही लगते टेल भी लगती है उसकी तो ट्रेंड से ट्रेंड साइंटिस्ट को भी डिफिकल्ट होता है तब तो रिकोगगनाइज करना कि ये कौन सा बच्चा है क्या ये फिश है क्या ये ह्यूमन है तो दैट मीन्स कि अर्लियर जो स्टेजेस है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लिंक है इनका जिस जो ये डिफ़िकल्ट हो रहा है फिर रिकग्नाइज करने में तो यहाँ पे डार्विन को ये चीज़ सपोर्ट कर रही थी कि हाँ कि एम्ब्रॉनिक स्टेज में भी हमें कुछ ऐसा लगता है तभी डार्विन का ये जो स्पेकुलेशन था वो किसी हद तक मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते कि उनको लगा होगा कि कुछ ये चीज़ मिल रही है

ठीक है जूरिंग एम्ब्रियोजेंस आर बिलीव टू रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री लीडिंग टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म जो लगता है कि ये एवोल्यूशन uh, इवॉल्व evolu हो गया बाद में पहले इसका स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलता था डिफरेंट स्पीशीज के साथ मिलता था जो कि डार्विन ने बोला कि वी हैव कॉमन एंसेस्टर दिस एड लेड टू द कॉइनिंग ऑफ द फ्रेज हाँ इस चीज को देख के अर्नेस्ट हेकल ने अपनी बायोजेनेटिक लॉ में एक फ्रेज बोल दिया ऑनटोज ऑन्टोजेनी, रिकेपचुलेट्स फाइलोजेनी ठीक है आपका जो आ, अंदर का स्ट्रक्चर होता है जो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्सप्लेन करता है वो एक्सप्रेस करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड ऑल द इंटर इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ इट इस एनसिस्टर्स दैट इज़ फाइलोजनी जो आपके जो ओंटोन जो अंदर जो बच्चा होता है जब वो माँ के पेट में होता है तो उससे उसकी जो एवोल्यूशनरी फॉर्म्स हैं फ्रॉम इट्स एनसिस्टर्स वो दिखाई जाती है ये दिखती है ये किसने बताया अरनिस्ट हैकल ने किस कहाँ पर इन ही इन द बायोजेनेटिक लॉ आल दो द स्टेटमेंट इज नॉट ऑल टूगेदर एकूरेट ये सच नहीं है बट सिंस मैन इज नॉट बिलीव टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ फिशीज देर इज़ नो डाउट दैटनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज इज रिफ्लेक्टेड इन दिस एम्ब्रियनिक स्टेज ये पता है हमें कि नहीं हमारा कोई डायरेक्ट फिश uh, से डिवेलपमेंट नहीं हुआ है बट ऐसा है कि देयर आर डिफरेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन दिज टू एंड दैट इज शोइंग सम एवोल्यूशनरी लिंक ओके विच मोस्ट ऑफ द रिलीजियस पीपल डिनाई Even though natural selection is recognized as the paramount factors in the diverse uh, diversification of organisms, some questions still remain to be answered. And um, इसके बावजूद भी जो neo Darwinism में जि जितने भी uh, लोगों ने इनका support किया Darwin के इसको revitalized revitalize किया rejuvenated किया तो फिर भी इसमें कुछ गलतियाँ रह गई थी कुछ कमी रह गई थी जो आगे neo Darwinism में complete की गई थी the structure which have been rendered less important because of decreasing need हाँ जो सबसे चीज़ जो इन्होंने बोली थी कि जो हम अडाप्ट करते हैं कुछ चीज़ें डार्विन ने बोला था कुछ चीज़ें जो चीज़ेंट होती फेवरेबल अडाप्टन होती है वो फिर हेरिडिटी बन जाती है या जिनका कोई काम नहीं होता है वो खत्म हो जाती है वैसा कुछ नहीं था क्योंकि अभी भी हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स है विजडम टीथ है अपेंडिक्स ऑफ मैन है जिनका कोई यूज होने के बावजूद भी वो इंसान में पाए जाते हैं तो ये कमी रह गई थी डावन डावनिज्म में वट इज़ डिफ्रेंस बिटवीन डावनिज्म एंड न्यो डावनिज्म It must, however, be noted that the modern concept of natural selection has been considerably broadened and refined, and is not quite the same as Darwinism. डारविनज जो 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 अब डारविनिज्म है न्यू डारविनिज्म है वो उस चीज़ को जो ऑलरेडी डार्विन ने बोला था उस कॉन्सेप्ट को एक तो ब्रॉड किया गया है और उसको पूरा रिफाइन किया गया है एंड इज नॉट सेम जो डार्विन ने बोला था वैसा वो नहीं है फॉर एग्जाम्पल गनाइज द फैक्ट दैट नेचुरल सेलेक्शन इन्वॉल्व डिफरेंशियलोडक्शन बट ही डिड नॉट इग्लेट दू डारवन ने बताया था कि देयर इज अ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन वट इट मीन्स की एक पॉपुलेशन के अंदर एक ही स्पीशीज़ में कुछ इंडिविजुअल्स का ट्रेट आ, ऐसा होता है जो उनको आ, उनको सर्वाइवल में उनके उनके पास वो बेटर सर्वाइवल बेस्ट ट्रेट्स होते हैं फॉर सर्वाइवल बट जो अदर्स होते हैं उनके पास नहीं होते एक ही स्पीशीज़ के अंदर ऐसे ट्रेट्स कहीं में पाए जाते हैं कहीं में नहीं पाए जाते लाइक like, हम कोविड की बात करते हैं एक ह्यूमन पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज़ है जिनके अंदर कुछ लोग इस चीज़ को इस वायरस को रेजिस्ट कर रहे थे और कुछ लोग नहीं कर पा कर, कर पा रहे थे इट वॉज बिक ऑफ द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ट्रीट्स। ये तो डार्विन uh, ने बोला था फेवरेबल एडाप्टेशन है, बट ही वॉज नॉट एबल टू इक्वेट द टू इन द मॉडर्न थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन आज की जो मॉडर्न थ्योरी है जिसको हम सिंथेटिक uh, थ्योरी भी बोलते हैं या नियोडार्विनिज्म बोलते हैं उसमें भी नेचुरल सिलेक्शन है बट इसमें डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन uh, का इन्होंने जिक्र किया है कैसे एक ही स्पीशीज़ में कोई ट्रेड इम्प्रूव uh, uh, मतलब किसी का ट्रेड बहुत ही uh, अच्छा होता है और कई स्पीशीज़ में ये ट्रेड कमजोर हो, होता है जो हम बाद में अच्छे से नियोडार्विनिज्म जब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको ये चीज़ एक्सप्लेन ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी इसके साथ साथ जो आज का न्यू न्योडारवनिज़म है उसमें हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट भी है जेनेटिक वेरिएशन का कॉन्सेप्ट भी है कैसे ये चीज़ चाहे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है जेनेटिक वेरिएशन है या हेरिडिटी है ये कैसे सिलेक्शन को अफेक्ट करती है कैसे सिलेक्ट होते इससे डिफरेंट स्पीशीज़ एक या पॉपुलेशन में ठीक है तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट न्योडारवनिज़म का पार्ट टू लेक्चर आएगा उसमें पूरे से ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया होगा इन द डायरविनियन डायरिजम सिस्टम नेचुरल सिलेक्शन वाज मेनली एलिनेशन डेथ ऑफ द अनफिट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिट इन ए स्ट्रगल इन ए स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस ए प्रोसेस इंक्लूडिंग नेचुरल सिलेक्शन एज इट इज नोन बट नॉट फॉर्मिंग ऑल और इवन द मेजर पार्ट ऑफ द डैट प्रोसेस जो हमने पहले भी बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन था एज पर डायर डेट वॉज ओनली द एलिमिनेशन बट नॉट द नॉट हाउ द न्यू थिंग्स विल आर कमिंग वट इज द प्रोसेस वट इज द मैकेजम बिहाइंड नया जो कुछ जो एक ही स्पीशीज़ में कुछ लोग जनते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं तो उसका क्या कारण था क्या मैकेनिज्म था उसके पीछे वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था डार्विन डार्विनिज्म थ्योरी में आप जो एक्सप्लेन पूरे से हो हुआ है न्यो डायविनिजम में ओके दिस इज़ ऑल वट वी आर हैविंग फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग होप यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ओके फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड ट्विटर Thanks for watching. Thank you once again.